यहाँ बैठे हैं अकेले में। हशो 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 हशो, बोल रहे हो भैया, क्या हुआ, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? शोहर को भी ऐसे लगता है, शोहर हूँ बस नहीं है, कोई कंडक्टर की तरह आगे शुरू हो गई, डबल उस्ताद डबल उस्ताद डबल उस्ताद, किसी आदमी का फोकस होता है कहीं पर? अरे यार, अच्छा यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ, छोड़े यार, अच्छा आप नीचे आए, किरण आपको बुला रही है। अच्छा अच्छा, किरण बुलाओ, किरण को यहाँ पर, हम जाएंगे वहां उठकर। बेगम बोलो। हाँ बुलाओ। बेगम बेगम, क्या मसला है? अरे जो आपने बात करनी है आप डायरेक्ट पापा से बोल दे। मुझे पूछना ये था, जो गरीबों और रिश्तेदारों का गोश्त का हिस्सा हमने निकाला था वो कहाँ है? कहाँ है ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ है? कहाँ है फिरोज? अरे यार पापा, आपने वो गोश्त गरीबों में, मिस्कीनों में, रिश्तेदारों में बांटना था, जो अब तक नहीं बटा और वो फ्रिज में मौजूद है अभी भी, क्यों? मेरी जिम्मेदारी थी बांटने के लिए और मैं बांटने गया भी था, तो जब मैं रिश्तेदारों के घर गया तो रिश्तेदार खुद गोश्त बांटने गए हुए थे, उनके घरों पर डाला था, इसलिए मैंने गोश्त वापस ला के रख दिया बस। अच्छा, और गरीबों को क्यों नहीं बांटा आपने? गरीब भी गोश्त मांगने निकले हुए तो झुग्गियां खाली पड़ी थी, अब खाली झुग्गी में गोश्त क्या था, कुत्ता बिल्ली उठा के ले जाते, इसलिए मैं वापस लिया। मैंने सोचा एक महीने बाद बांटूंगा, वो गरीब भी खुश हो जाएंगे कि अचानक से गोश्त आ गया। फिरोज मुझे ना इनकी बातों से कोई फ्रॉड की बू आ रही है, सुबह जाओ सारा गोश्त बांट करो बस। नहीं 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 नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे होते हुए कोई और इस घर के फैसले नहीं कर सकता। किस हैसियत से? क्योंकि मैं इस घर का सदर हूँ। सदर? सर क्या खुद कोई हैसियत नहीं है? हाँ नहीं 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 सदर नहीं, मैं वजीर आजम हूँ। अरे वजीर आजम तो उससे भी नीचे है यार। हाँ मैं वजीर आजम भी नहीं, मैं बाप हूँ बस, मैं बाप हूँ, बाप होने की हैसियत से जो मैं चाहूंगा मैं वो करूंगा, समझ में आया? दबाओ यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। आदमी का कहीं फोकस होता है ना तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे भाई अब्बा, हाँ, एक बात करनी है मुझे। क्या? मुझे ना वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है आपसे। वाह शरीफ बेटा, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये हुई ना बात, मेरे पढ़ाई का शौक मेरे बेटे के अंदर आया, मुझे भी आला तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। अरे फिर क्यों नहीं की आला तालीम? की है मैंने आला तालीम, ग्रेजुएट हूँ मैं, समझ में आया, ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो शरीफ बेटा, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है? अब्बा इकरम। इकरम है बेटा, एनआईटी में लो, कराची यूनिवर्सिटी में लो, ससेर यूनिवर्सिटी में लो, इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, इकरम ही क्यों? अब्बा वहाँ का माहौल बड़ा टाइट है। किसने कहा तुमसे माहौल टाइट है वहाँ का? मेरे दोस्त ने। क्या कहा उसने? वहाँ पे जो भी जाता है ना एडमिशन लेता है उसकी शादी भी जाती है। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन बेटा शादी लड़कियों की होती है, लड़के जो भी बाहर निकलते हैं या तो लिमका का स्टॉल लगाते हैं या फूड पांडा में काम करते हैं, समझ में आया? निकलो यहाँ से, दबाओ, शादी करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना, दबाओ यहाँ से। अच्छा तुम तो बताओ तुम क्या बात कहने के लिए आई थी? अरे रुकैया नाराज नहीं हो ना, सॉरी, आई एम सॉरी रुकैया, प्लीज रुकैया, लानत तुम्हारे ऊपर, बैठी रहो ऐसे, नाराज हो रही है, हम बनाएंगे तो तुम्हें साईजात, मायरा खान समझ रही है खुद को, पागल औरत। अपने आप को हीरो समझ रहा। अपने अपने मोबाइल फोन सामने रख दीजिए। अशमत चाचा हम जुआ नहीं खेलेगा। अबे जुआ नहीं खेल रहे भाई, रखो यहाँ पर, जरूरी बात करनी है, फोन साइलेंट है ना, रख दो यहाँ पर। हाँ भाई, कहने वाली बात यह है कि अहले मोहल्ला को जाकर ऐलान कर दीजिए कि जनाब अशमतुद्दीन साहब भाई ने अहले मोहल्ला के लिए बारबेक्यू का एहतमाम किया है, ज्यादा से ज्यादा अफराद शिरकत करें और महसूस। ये जनाब हशमतुद्दीन भाई साहब कौन है? मैं हूँ, तुम्हारा बाप है, और कौन है? आप भी अपने लोगों को बोल दीजिए। मैं गांव से बुलाऊं फोन करके? अरे नहीं भाई, गांव से नहीं बुलाना लोगों को, आपके लोग मतलब आपके अहले मोहल्ला जिनसे आपका रोज का मिलना जुलना है उन लोगों से कीजिए, आप भी कह दीजिए। अरे अब्बा कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सब बोलते तुम्हारे बाप चिटरे चिटरे। तो तुमने क्या कहा? मैंने बोला हाँ है, क्या कर लोगे? वाह मेरा बेटा वाह, इधर आ जाओ। अगर कोई बोल रहा है बाप चीटर है तो आगे से ये बोलोगे? ये बोलोगे आगे से? अब्बा सब बोल लेते तो मैंने भी बोल दिया हाँ है हाँ है। अरे नहीं है हम चीटर, हम स्मार्ट लोग हैं, समझदार लोग हैं, हम समझदार हैं। जाओ जाके बोलो लोगों, तब भी कोई नहीं आएगा। अरे उनसे कहो के बारबेक्यू के साथ कोल्ड ड्रिंक भी है, फिर भी नहीं आएगा। अरे उनसे कहो के मारखोर का बारबेक्यू है। मारखोर? हरामखोर नहीं, मारखोर। मारखोर मारखोर को लेके मजाक नहीं कर मेरा बेटा, अगर तेरे साथ मजाक हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा खोर? किसका खोर? तुम्हारा खोर, तुम्हारा तो बेटी के जैसा है। हमारा बेटी जैसा कौन है? हमारा खोर। खोर क्या होता है? खोर यानी का बहन, हमारा बहन। अरे तुम्हारी बहन की बात नहीं कर रहा भाई, कुछ और खोर की बात हो रही है। भाई ये होता क्या है? अरे मारखोर बेटा पहाड़ी बकरा होता है, बड़े बड़े सींग होते हैं, बड़ा खतरनाक बकरा होता है, पहाड़ की चोटियों के ऊपर होता है, लाखों करोड़ों डॉलर देते हैं इसका शिकार करने के लिए, लोगों को जाके बोलोगे लोग भागे भागे आएंगे। लालची कौम है, जफर ने भी यही ट्रिक की थी, शुतुरमुर्ग की कढ़ाई रखी, सब लोग भागे भागे आए, सिविक और करोला वाले लाइन लगा के खड़े हुए शुतुरमुर्ग खाने के लिए। बताओ शुतुरमुर्ग की कढ़ाई बनती क्यों? अरे नहीं बनती भाई, जब ये शुतुरमुर्ग की कढ़ाई बना रहा था पूरे अफ्रीका के अंदर हड़ताल थी, सारे शुतुरमुर्ग बैठ गए थे, कभी हमारा मुर्ग से ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ नाम में मुर्ग आते हैं, हमें कढ़ाई में घुसेड़ दिया, बताओ। ठीक है, अब अपने अपने फोन उठाइए और जाइए, अपना फोन उठाने का। अशमत चाचा हम गरीब आदमी है, क्या करें, करोड़ों के घर के मालिक है गरीब आदमी, चलो निकलो यहाँ से, चलो। और हमारा और तुम्हारा चली।
चप्पल तुम्हारा भाप पहनेगा, नंगे पैर जा रहे हैं। माजी से जलाऊंगा ना पैर नीचे, इतने बड़े बड़े निशान पड़ेंगे। सॉरी 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 का बच्चा। पता है किरण, मुझे ना उज्मा और बिस्मा की बहुत याद आ रही है आजकल। कम से कम वो आपके शोहर के अजाब से बचेंगे, वहां पर तो बहुत खुश हूँ। अरे अरे सुनो सुनो सुनो, आप लोग पता है इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या शहरी की शादी हो रही है? क्या अशु की नौकरी लग गई? अरे ना तो इतने अच्छे नसीब हमारे हैं कि पापा की नौकरी लग जाए और ना ही इतने अच्छे नसीब शहरी की शादी हो जाए। तो फिर जल्दी बताओ ना, इतना सस्पेंस क्यों फैला रहे हो? अरे पापा बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं इस घर में। हाँ, हशु और बारबेक्यू पार्टी नामुमकिन। अरे तुम्हारे पापा ने तो आज तक घर वालों को कोई ट्रीट नहीं दी, बारबेक्यू पार्टी कहाँ से करेंगे? अरे मुझे तो इसमें भी तुम्हारे बाप की कोई दो नंबर ही नजर आ रही है। अरे कुछ हो ना हो, कम से कम गुमान तो अच्छा रख लेना। हाँ भाई क्या हो रहा है, तमाम फैमिली बैठी हुई है, मेरा इंतजार हो रहा लग रहा है। अरे आप वहाँ से कहाँ से आ गए? खिड़की से। और तुम भी तो जो हम स्विमिंग पूल के बाद बकरा लेके खड़े थे, खिड़की से आए थे, हमने तो कुछ नहीं बोला था। और भाई तुम लोग बताओ क्या हो रहा है? अशु आप क्या बारबेक्यू पार्टी रख रहे? हाँ बॉयज का सीन है, जरा हल्ला गुल्ला हो जाएगा, गेट टुगेदर होगा। अच्छा चलो भाई, बहुत दिनों के बाद घर में हल्ला गुल्ला होगा, मेरा भी दिल लग जाएगा, गप्पे शप्पे करूंगी मैं भी। या तो तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है या तुम्हारे कान खराब है। बॉयज का मतलब होता है लड़के, सिर्फ लड़कों का सीन है, किसी की बीवी नहीं आ रही। वैसे आपका एज ग्रुप ना बॉयज से काफी आगे जा चुका है। जी मुझे पता है आगे चला गया है, लेकिन इंटरनेट पर जो हम जैसे लोगों की मीम बनती है तो दी बॉयज लिखा हुआ आता है, दैट्स व्हाई आई कॉल माय सेल्फ दी बॉय। अच्छा ये बताएं कि ये बारबेक्यू का गोश्त कहाँ से आ रहे हैं? गोश्त है वो, क्योंकि क्लोज सर्कल है ना फ्रेंड्स का, सबके घर में कुर्बानी हुई है तो सब अपने अपने घर से गोश्त लेकर आ रहे हैं मैरिनेट किया हुआ। मैं तो उसे जगह प्रोवाइड कर रहा हूँ बारबेक्यू के लिए, बस 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 बस। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चेक करूंगी। क्या चेक करूंगी बॉयज को? अबे तुम्हारी बीवी की गलती है, उसने गलत जगह पहुंच लिया, उसको बोलो बात कंप्लीट। अरे बेगम जल्दी से बात कंप्लीट करें ना। अरे मैं गोश्त चेक करूंगी कि कौन लेकर आ रहा और कौन नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत इंसल्टिंग है, मैं अपने दोस्तों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है फिर मैं सारे लॉन में पानी खोल दूंगी ताकि कोई बारबेक्यू ना हो। क्या कह रही है ये? पापा बेगम ने कहा तुम बात तो आपको माननी पड़ेगी। ठीक है तुम चेक कर लेना गोश्त, और तुम्हें भी जो कुछ चेक करना है तुम भी चेक कर लेना। और फिरोज बेटा तुम तो मुझे रात में मिलो, तुम्हारा शक को मैंने यकीन में ना बदलाना तो मेरा नाम भी हल पड़े। अब उठो सारे यहाँ से और दफा हो जाओ। अरे हम क्यों दफा हो, आप आए थे, हम तो पहले से बैठे हुए थे। सॉरी मैं जाता हूँ। अरे वहां कहाँ जा रहे हैं, आप तो यहाँ से आए थे ना। हाँ फिर के आया था, शिकार पड़ गई थी इसलिए सीढ़ियों से जा। क्या कह रहे थे कान में फुसफुस? अरे कुछ नहीं कह रहे थे ना। अरे कुछ तो कह रहे थे। अरे कुछ नहीं कह रहे थे, मैं कह तो रहा हूँ। अरे मैंने खुद सुना है, खुद फुसफुस कर रहे थे। अरे सलवार फटी हुई उनकी, बस इतनी सी बात थी। फिर तू बाहर निकल, खुदा की कसम मैंने तुझे कहा था किसी को नहीं बताना, अब तू बाहर आ फिर मैं तुझे बताता हूँ। आ जरा। प्लान ये है कि सारा गोश्त हम अभी गायब करके मैरिनेट करके लाला के फ्रीजर में रखवा देंगे। लाला वो गोश्त पतीले में डाल के गैस को देगा, गैस वो लेकर आएगा, मैं किरण को चेक करा के अंदर कर दूंगा, गैस वो पतीला लाके तुम्हें देगा, तुम दीवार पे बैठे रहना, जैसे ही पतीला मिलेगा वो पतीला लाला को दे देना, लाला वो दूसरे गैस को देगा, दूसरा गैस लेकर आएगा, इस तरह एक एक करके सारा गोश्त अंदर पहुंच जाएगा और किरण को पता भी नहीं चलेगा। क्या बोलते हो? डाइट अब्बा। यस वो तो ठीक है अश्मत चाचा, लेकिन मैरिनेट क्या होता है? मैरिनेट जो होता है आप क्या करोगे जान के मैरिनेट क्या होता है? ठीक है आपने दिमाग पे जोर ना डालो, आप ये काम करो, ये बादाम खाओ, बादाम खाते बैठो, शाबाश निकलो। सर से गुजर गया हमारा। कोई बात नहीं बादाम खाओ, बादाम खाओ। एक से एक बेवकूफ है, चीकू का बीज दिया बादाम बोलकर ले गया, अब खाएगा तो कड़वा कड़वा लगेगा पागल। लेकिन बहुत चीप लगेगा आप इस तरह से चेक करेंगी पापा के सामने। तुम चुप करो, मैं चेक करूंगी, ये हर जगह दो नंबरियां करते हैं, शर्म भी नहीं आती, मैं तो सबका चेक करूंगी गोश्त। या तो बेटा ऐसा बोल लो या इज्जत कर लो, बराबर में खड़ा हूँ मैं। आई 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 चेक करा दीजिए, चेक करा दीजिए, ये चेक कर लो, चेक कर। अपना पतीला अपना गोश्त, ठीक है जी जी जी। ये आपके दोस्त हैं? नहीं नहीं मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। ये मेरे दोस्त के अब्बू हैं। ये आपके दोस्त के अब्बू हैं? हाँ यंग दोस्त है, आप सलीम के अब्बू हैं ना? नहीं नहीं नहीं। असलम के? नहीं नहीं नहीं। तो डरने की क्या बात है, आप घबरा क्यों रहे हैं, अंदर आए ना, हम अभी सेटिंग कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, उल्टे हाथ पे निकलिएगा। हाथ पैर फुला दिए इन्होंने मेरे भी। वालेकुम सलाम, ये दीजिए चेक कीजिए। ये गोश्त का पीस तो पहले वाले गोश्त की तरह दिख रहा है। ये सेम कसाई? सेम कसाई, सेम कसाई, सेम कसाई। अच्छा ये बताएं आप इनके दोस्त हैं? इसके अब्बू मेरे दोस्त हैं, इसके अब्बू मेरे दोस्त हैं। आपके अब्बू इनके दोस्त हैं? नहीं नहीं मेरे वाली साहब को तो मरे हुए 10-15 साल हो गए। हाँ तो 10-15 साल पहले दोस्ती थी ना हमारी, उसके बाद से ये आया ही नहीं, कमाल करते हो, शायद आना चाहिए था ना। मेरा नाम शायद नहीं शुएब है। हाँ तो शुएब अश्विन से आता ना शुएब, ऐसी क्या बात हो गई, जाओ उल्टे हाथ में चले जाओ, उल्टे हाथ में चले जाओ, शाबाश। बताओ जरा 10-15 साल बाद आए, अपना नाम ही भूल गया, शायद नाम है इसका असल में, प्यार से शुएब बोलते। ये पकड़ो,
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉरी सॉरी सॉरी, ये पतीला तो तीसरी दफा है, पहले वाले लोग भी इसी पतीले में लाए थे। मतलब बेगम आप हद करती हैं यार, कभी पतीले को शक की नजर से देख रही है, कभी गोश्त को शक की नजर से देख रही है, कभी मेहमान को शक की नजर से देख रही है। अरे पापा कहना सही, मेरा ही ख्याल रख ले यार, क्या कर रही हैं आप? हां भाई, बाप की कोई इज्जत ही नहीं, अपनी इज्जत की परवाह? कोई बात नहीं भाई, ये लो भाई अंदर लेके जाओ। माइकल नहीं, जॉनसन। सॉरी जॉनसन, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। हां जॉनसन, बेबी लोशन। किरण किरण, मेरी बात सुनो बेटा, पास। क्या हो रहा है ये शेरी, क्या कर रहे हैं ऊपर? क्या कर रहा है? पतीला दे रहा था। अब पतीला 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 नहीं, पतीला नहीं, पैसे कुछ और, कुछ और पैसे पैसे पैसे। हाँ, वो पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ा रहा था। मुझे पक्का यकीन है कोई चीटिंग का काम चल रहा है यहाँ पर, क्या कर रहा हो बताओ? खुद आके देख लो ना। नहीं नहीं, कोई चीटिंग नहीं कर रहा किरण। अरे वो देखो, फिर स्विमिंग पूल में कूद के खुदकुशी कर रहा है। गधे के बच्चे हो, पतीला बोल दोगे डायरेक्ट? बस समझ नहीं आ रहा था क्या। अरे कुछ भी बोल के आदमी कवर करता है, शुक्र पतंग बोल दिया तुमने। इसी तरह दिमाग चलाया करो, शाबाश। थैंक यू अब्बा। यस, सब इधर देखिए, दांत निकालिए, स्माइल। यस, अब आप लोगों का पेट भर गया है, पेट पर हाथ रखिए। यस, वेरी गुड, बहुत आला। विक्ट्री का निशान। यस यस, अब दुआ मांगिए, दुआ मांगिए। बहुत आला, बहुत आला, नाइस। आ जा लाला, आ जा, आ जा, आ जा भैया, आ जा, आ जा। और भाई क्या हाल चाल है आप लोगों के? लाइए भाई, लाइए प्लेट तकसीम कीजिए। हैं भाई, मजा आ रहा है? कद्दू का मजा आ रहा है यार, खाना नहीं आया अभी तक। आ जाएगा खाना, आ जाएगा, अभी बस दो मिनट की बात है बस। वैसे अशमत साहब, आपके बारे में बड़ा कुछ सुना है हमने, आप दो नंबर और फजूल से चिटर आदमी है। किसने किया आपसे बकवास? ये तो आपके बेटे शेरी ने। तूने ही गिराते है नशे मन पे बिजलियां। अब्बा इस्माइल। शेरी बेटा, इस्माइल के बाद मिलना मुझसे जी। वैसे अभी हमारे ख्याल चेंज हो गए। क्या चेंज हुए? हाँ, आप फजूल और दो नंबर से ऊपर की चीज है। भाई खाना तो आया नहीं, पानी तो दे दो। हाँ, ये लीजिए पानी, मुझे तो लग रहा है आप दस्तखानों पे जाते रहते हैं। ये लो, ये भी खाली। शरी, मैंने आपसे कहा था खाली प्लेट रख लीजिएगा, आपने जग भी खाली रख दिया। आप ही ने बोले थे जग खाली भी रख दिया। कोई बात नहीं, पानी नहीं है तो क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक पीजिए आप। ऐसी क्या बात है भाई, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए आप। ये लीजिए, ये देखिए, कितनी देर लगती है पानी और खाना आने में, कोल्ड ड्रिंक पीजिए आप। ये तो पानी है, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है। आइए, कोल्ड ड्रिंक की कंपनी फ्रॉड कर रही है, बताइए जरा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर पानी आ रहा है। आपको मैंने कहीं देखा है? मुझे कैसे नहीं देखेंगे, मेरा बकरा जो चुराया था आपने। पता नहीं जोक भाई, मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। बकरा चोरी थोड़ी हुआ था, बकरा तो गुमशुदा हो गया था, घूमते घूमते यहाँ आया तो हमने अमानतन रख लिया। दोबारा अगर बकरा चोरी वाली बात की तो अगला बार भी क्यों आपका होगा। और चाचा जी, आपको पहली बार देखा, पहले नजर नहीं आया कभी आप इस मोहल्ले में? भाई मैं पिशावर से आया हूँ बायर। पिशावर से बायर? अरे पूरी दावा से ज्यादा टिकट का खर्चा मेरी जेब से गया है, ये भी लल्ला की मोहब्बत में। भला आपकी मोहब्बत पे लानत, मैं भेजता हूँ उन लोगों पे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, वो कोरंगी से नहीं आ सकते, आपके बुलाने पे लोग पेशावर से आ गए। वाह माशाल्लाह, क्या मोहब्बत है आप लोगों की, वाह। अरे जोजी बेटा, विदाउट यूनिफॉर्म सब खैरियत तो है? दावत में आया हूँ। किसने दी दावत? शेरी ने। अरे अब्बा, आपने ही तो बोला था दावत दे दो सबको, मैंने दे दी। हाँ, मैंने ही कहा था, मैंने ही कहा था। बैठिए आप लोग, बस दो मिनट की बात है, अभी खाना शुरू करते हैं, मैं आता हूँ। एक शेरी, तशरीफ लाइए जरा इधर, एक मिनट आइए, इधर आइए, इधर आइए, नंबर है हमारा। वैसे अशमत भाई, खाना बड़े मजे का था, लेकिन ये मारखोर का गोश्त नहीं लग रहा। तुमने मारखोर खाया पहले कभी? नहीं खाया तो नहीं है। अबे तो चुपचाप जो मिल रहा है वो जाके खाओ, मारखोर खाया नहीं है, मारखोर का गोश्त नहीं लग रहा। चलो यार, गधे का गोश्त खाने वाले मारखोर का गोश्त चाहिए। फिरोज, वो जो फ्रिज में गोश्त था वो तुमने बांटा? नहीं तो? तो फिर कहाँ गया सारा गोश्त? मुझे क्या पता, मेरे ख्याल से वो पापा ने बांटा होगा। हाँ कुछ नहीं बांटा है उन्होंने, वो बारबेक्यू ना उन्होंने हमारे गोश्त से सब इस्तेमाल कर लिया। क्या बात कर रही है? मैं जब उस वक्त पतीले और गोश्त चेक कर रही थी तब तुम्हें मैं चीप लगी, देखा मेरा शक सही साबित हुआ। मतलब पापा ने वो चीप हरकत करके हमें चीट किया? मुझे पापा से इतनी गिरी हरकत करनी की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। बेगम आप बिल्कुल ठीक थी। क्या ठीक थी, तुम तो किसी काम के नहीं हो, दफा हो जाओ यहाँ से। बेगम दफा हो जाओ ज्यादा हो जाएगा। तो फिर जहन्नम में जाओ। दफा ही ठीक था बेगम। बहसियत मारूफ और मशहूर समाजी शख्सियत, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस शहर के गरीब और नादार लोगों की मदद करूं। इसलिए मैंने बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया ताकि गरीबों के लिए भी तफरीह के मौके मैसर हों। इंशाल्लाह आप जैसे मुग़य्यर हज़रात का तआवुन जारी रहा तो एक दिन इस मुल्क से गरीबों का खात्मा कर दूँ, गुर्बत का खात्मा कर दूँ। बहसियत
मारूफ और मशहूर समाजी शख्सियत, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस शहर के गरीब और नादान। अरे ये देखो भाई, इसलिए मैंने बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया। नहीं, 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 मुझे ये सब कुछ नहीं देखना यार, ये देख, अब ये देखे, ये क्या? अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा हूँ भाई मैं। अरे यार, बात यहाँ अच्छे की नहीं हो रही। अरे अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि आपने ये बारबेक्यू पार्टी क्यों रखी थी। इस सब के पीछे आपका ये घिनौना मकसद था? इसमें घिनौने मकसद वाली क्या बात हो गई भाई? अरे ये घिनौना मकसद नहीं है तो और क्या है? अरे भाई, मेरी नियत इतनी थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन खोल दूं HCO के नाम से। HCO? हशमत चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद है गरीब और बेरोजगार अफराद के लिए चंदा जमा करना और उस चंदे के पैसों से फॉर्च्यूनर खरीदते, बड़े बड़े बंगले बनाते, लाइफ सेट हो जाती बेटा हमारी। नहीं बाबा, मतलब आपको ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी शर्म, पूरा पाकिस्तान यही काम कर रहा है, हम करेंगे तो हमें शर्म आ जाए। आज पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं आपका बेटा क्यों हूँ। और मुझे रोजाना अफसोस होता है कि जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन मैंने तुम्हारा गला दबा के क्यों नहीं मार दिया, तब तो इतनी तफ्तीश भी नहीं होती। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जूजी, आ जाओ आ जाओ। अरे वाह भाई जोशी बेटा, आप तो बिल्कुल ही कैजुअल हो गए आज भी विदाउट यूनिफॉर्म। ये क्या हरकत की है? अब आप एक वीडियो देख रहे थे मोबाइल पे, और तो क्या हरकत नहीं। मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी तस्वीर क्यों लगाई है? नहीं, हमने आपकी तस्वीर नहीं लगाई, आप तस्वीर के बीच में आ गए थे। तस्वीर के नीचे लिखा क्या है? आप इतना ही लिखा था कि हशमत साहब गरीब और नादार अफराद को खाना खिलाते हुए। मैं पुलिस में होते हुए गरीब और नादार की तरह खाना खाऊंगा? ये तो डिपार्टमेंट के सोचने की बात है ना, उन्होंने सोच लिया और मुझे निकाल दिया। बहुत अफसोस की बात है। देखो बेटा, आपकी तस्वीर आ गई, बाकी पुलिस वालों की भी खाते हुए तस्वीर आ गई, पूरा डिपार्टमेंट सड़क पे आ जाएगा इस तरह। तो अभी मैं क्या करूँ, मेरी नौकरी कहाँ से वापस आएगी? यूनिफॉर्म कहाँ है आपका? ले लिया उन्होंने वापस। हाँ तो हम आपको यूनिफॉर्म दिला देंगे, आप घर की पुलिस बन जाओ, क्या बोलते हो? SHO का यूनिफॉर्म चाहिए, IG का? SHO लगा दो फिर। SHO का यूनिफॉर्म ले आएंगे आपके लिए, बस इतनी सी बात। नहीं नहीं नहीं, मुझे नौकरी चाहिए। बाबा, गार्ड की नौकरी वो करोगे? नहीं नहीं, मुझे मेरी पुलिस की नौकरी चाहिए। बाबा, पुलिस बेटा, हम आपका इलाज कराएंगे। मेरा इलाज खराब हो गया है? बाबा, हम आपको नौकरी ढूंढ के देंगे। जोजी, संभालो अपने आपको। किसने किया ये सब? जोजी, ये सब शरी ने किया। शरी ने तुम्हें बुलाया था, मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाहता था। जोजी, हम दोनों दोस्त, दुश्मन। नहीं नहीं जोजी बेटा, जोजी बिरयानी, चिकन बिरयानी अंदर, गुलाब जामुन, चमचम है व्हाइट वाली, हलवा भी है। तारे जमीन पर। अचरी विरोज बेटा, आप रोक के रखो जोजी को, मैं अभी गया बिरयानी लेकर आया। लेकिन अब्बा, वो घर में तो कुछ भी नहीं है। हमारी माँ, तुम्हारी माँ, माँ ने भी नहीं आई बनाई थी ना बिरयानी, वो कहाँ गई? खत्म हो गई। जोजी, मैं बाजार से ले आऊँगा। जोजी नहीं, जोजी नहीं, जोजी बेटा, नहीं बेटा, नहीं।